सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सोलो कॉन्कर रैंक पुश वीडियो। आपका तो आप सभी लोग मस्त होंगे और आप सभी का रैंक पुश मस्त रहेगा। तो गाइस, ये वाला जो गेम प्ले होने वाला है ऑलमोस्ट कॉन्कर रीस का होने वाला है, क्योंकि अभी जो मैं आईडी पुश कर रहा हूँ इसकी रैंक ऑलमोस्ट 800 के आसपास चल रही है और ये आईडी भी कल तक कॉन्कर हो जाएगी। और गाइस, इसके बाद अगर किसी को पेड पुश करवाना हो तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां पर से मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी इस वाले मैच में जो सैंडस्टॉर्म रहता है वो पोचिंग की बताओ, और गाइस देखो अभी पोचिंग के पर कितने किल्स निकाल पाते हैं। अब यहाँ पे अपना खाता तो खुल चुका है, अपने को एक किल इजी मिल जाता है। इस बंदे का ध्यान ही नहीं था बिल्कुल भी, अपन इसे बैक साइड से तो अच्छा खासा डैमेज दे देता हूँ, फिर इससे ऊपर चढ़ के इजी किल कर देता हूँ। और कैसे करवाते, अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, अपने 22 के ऑलमोस्ट डन होने वाले, पता है थोड़े से बच्चे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप नए हो। और बेल आइकन ऑल पे करना बिल्कुल नहीं मत भूलना, ताकि कौन का गेम प्ले मिस ना कर पाऊँ। यहाँ पर जो साउंड था मेरे को सिर्फ स्क्वाड हाउस से आया था, तो मैं स्क्वाड हाउस पे ही रहा था, बट इतने में इस घर के नीचे आता हूँ तो इस घर पे भी एक बंदा होता है, इसने साउंड पहले नहीं दिया था, जस्ट मैं जब नीचे आता हूँ तब अपने फुटस्टेप देता है तो इसे किल कर देते हैं। और यहाँ पर इसका फायदा उठा के यहाँ पर एक बंदा थर्ड पार्टी करने के लिए आता है तो इसको भी इजी किल कर देते हैं। कैंप वैसे मतलब होल्ड ही कर रहा था, ये बंदा सीढ़ियाँ चढ़ के आता है, इसे लगा होगा कि मैं शायद डैमेज हूँ, बट यहाँ पर अपनी फुल हेल्थ थी। अभी यहाँ पर इस बंदे को मारने के बाद एक और बंदा है जो कि अभी स्क्वाड हाउस पे है। पहले तो जब मैं प्री फायर देता हूँ ये बंदा टैप फायर देता, मुझे लगा था एक बार को क्या पता हो सकता है बॉट होगा, तो मैं सीधा घुस जाता हूँ इस पर लेके, बड़े बंदा ही था शायद से गन टैप पे रही होगी जो भी था, बट इसे किल कर देते हैं। और यहाँ पर इस बंदे को मार रहे हैं, मैंने नेक्स्ट लेवल चुक करी है, मेरी हेल्थ देखो मतलब दिख भी नहीं रही, 10 से भी मतलब एक अचीव अच्छी है, जस्ट अभी तो बच जाते हैं, शायद से बूस्टर से मैं बच जाता हूँ, वरना तो ये बंदा किल कर ही देता। अभी यहाँ पर मेरे 5 किल्स कंप्लीट हो चुके हैं। और गाइस आप भी ट्राई करा करो कि सैंडस्टॉर्म में अच्छे खासे किल्स निकाल लिया करो, क्योंकि यहाँ पे मरने के बाद जब अपने पास वो नहीं रहता स्कैप चैम तो किल्स निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उस टाइम अगर मरे तो सीधा लॉबी जाते हैं। अगर यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज रहता है, अगर यहाँ पे तुम्हारे अच्छे खासे किल्स निकाल सकते हो ना, थोड़ा होल्ड करके खेलोगे ना यहाँ पे तो अच्छे खासे किल्स निकल जाएंगे। ये नहीं कि चार बंदों के बीच में जाना है, उतरते भी हो तो एक कोने में उतरा करो, वहां से गन लेके वन बाय वन बंदों को किल करा करो, ठीक है, मतलब एक कोने से स्टार्टिंग करा करो बंदों को मारने की। जैसे कि मैं करता हूँ, एक कंपाउंड पे उतरता हूँ हमेशा पोचिंग पे, तो इधर ही आता हूँ और एक एक करके निपटाते हैं और साइड बाय साइड जाता हूँ बंदों को किल करने के लिए। अभी यहाँ पर जो था मुझे फुट साउंड आता है, पता नहीं ये बंदा जो भी है बॉट है फिर बंदा है, मुझे नहीं बताता इस टाइम कि ये बॉट है, मतलब भाग रहा है। तो यहाँ पर इसको तो एक प्यास स्प्रे था और किल कर देता। अब यहाँ पर देखो ज्यादा बंदे ढूंढने नहीं है मेरे को, क्योंकि अगर मैं अलग कंपाउंड में जाऊंगा तो कोई ना कोई कैंपर होगा जो कि कैंप करा होगा नेक्स्ट लेवल, बंदे ढूंढने के चक्कर में मैं किल हो जाऊंगा और स्क्रैप चैम मेरा फ्री में यूज हो जाएगा तो उसका कुछ फायदा नहीं था। तो यहाँ पर मेरे को एक डासे तो मिल जाती है, अभी फिलहाल यहाँ से मैं डासे लूंगा और रश कर करके बंदों को मारेंगे। तुम भी ये ट्राई करो करो जब तुम्हारे कंपाउंड खाली हो जाता है, यहाँ पर बंदे ढूंढने की जगह अगर तुम सिंगल हाउसेज में मतलब जो बंदे पहले से ही कैंप कर रहते हैं, मतलब ऐसे घरों में अगर रहते हैं लूट रहे होते हैं, उनको किल करोगे ना वो ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पर अगर और ढूंढोगे तो कैंपर किल कर ही देते, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बंदा कैंप करा रहेगा वो किल कर देगा। अभी यहाँ पर मेरे को डांसे मिल जाती है तो मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। यहाँ पर जो जोन था वो काफी छोटा हो चुका था और यहाँ पर मेरे को जोन के सेंटर में एक खाली पोजीशन भी मिल जाती है। फिलहाल यहाँ पर मेरे सामने वाले शैक में बंदा है तो यहाँ पर मैं ज्यादा उंगलीबाजी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे अच्छे खासे किल्स हो रखे हैं। अगर मैं पहले टॉप 10 पे ध्यान दूंगा तो मेरे को अच्छा खासा प्लस वैसे ही मिल जाएगा। अभी पहले टॉप 10 पे फोकस करते हैं।
यहाँ पर जो जोन था वो थोड़ा नहीं बहुत ही भारी शिफ्ट लेता है, तो यहाँ पर मेरे को पता था जो सामने शेक वाला बंदा, वैसे जोन में तो मेरे को भी जाना है बट मैं यहाँ पे सामने वाले बंदे को थोड़ा सा होल्ड करके बैठा था कि ये बंदा हो सकता है जोन में जाएगा तो उसे किल कर देंगे। और यहाँ पर से मेरे लेफ्ट से भी एक रोटेशन गया था जो कि यहाँ सामने रुका है, पता नहीं इस बंदे को किसी ने कास्प्रे पर उतार दिया या फिर ये बंदा यहाँ पे पोजिशन लेकर रुका हुआ है। फिलहाल यहाँ पर बंदा स्पॉट तो होता नहीं है, यहाँ पर मेरे को जोन में जाना था और अपना टॉप 10 भी हो चुका है। फिलहाल जोन में जाकर कोई अच्छी खासी पोजिशन लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो बंदा रहता है पहले से डैमेज था या फिर अपनी बॉडी बूस्ट कर रहा था पेन के लिए लगा के, मेरे को नहीं पता, बट यहाँ पर मेरे को साउंड आता है कि ये बंदा कुछ तो लगा रहा है, तो इसी का फायदा उठाता हूँ मैं, सीधा जाता हूँ और प्री फायर देता हूँ, ये बंदा उसी में किल हो जाता है। अभी यहाँ पर मेरे 10 किल्स कंप्लीट हो चुके हैं और अभी सिर्फ 6 और बंदे अलग है मेरे को हटा के, और अभी देखते रहे चले मैचे चिकन ने कैसे निकालते हैं। अभी देखो मेरे को एक बग्गी का साउंड आ रहा है जो कि अच्छा खासा रोटेशन ले रहा है दूर दूर से कंपाउंड से, बट ये बंदा फिर भी बचने नहीं वाला क्योंकि थोड़ी सी गलती ये बंदा भी कर देता है। यहाँ पर एक जो बंदा रहता है बिल्कुल ही ओपन में उतर जाता है मेरी साइड से, तो और इसे एक प्यार से स्प्रे देता है और इसे किल कर देते हैं। अभी यहाँ पर मेरे को नहीं पता शायद से स्नाइपर डार पे कोई और बंदा होता तो शायद उसे फायर करता, बट यहाँ पर अभी मेरे को नहीं पता था, लेकिन स्नाइपर डार पे बंदा है एक और, बट अभी देखते रहो। अभी यहाँ पर मेरे को हटा के 4 और बंदे लाए हैं, तो अभी देखते रहो चिकन डेक कैसे करते हैं। और अभी मेरे को ये भी नहीं पता कि मेरे ऊपर वाले घर पे, मतलब इस वाले घर के ऊपर पे कोई और बंदा है भी या नहीं है, क्योंकि कभी कभार बहुत ही हार्ड लेवल कैंपर्स होते हैं, तो यहाँ पर मैं पहले स्मोक डाल के डराने का कोशिश करता हूँ कि अगर कोई बंदा होगा अभी तो हो सकता है फुटस्टेप्स वगैरह दे, तो यहाँ पर से फुटस्टेप्स वगैरह कोई नहीं देता। एक बार मैं फिर भी चेकआउट कर लेता हूँ और यहाँ से जस्ट अभी अभी स्नाइपर डार से फायर हुआ, मतलब ये भी कंफर्म हो चुका है कि स्नाइपर डार पे अभी एक बंदा और है। मेरे को एक रोटेशन का साउंड आता तो पहले इसको पिन करके इसी को पिन करके बैठा था, लेकिन ये बंदा शादे रहता शेक के पीछे रोक लेता अपनी गाड़ी को, तो यहाँ पर इस बंदे को मैं सीधा रश कर देता हूँ और इसे इजी किल तो कर देता हूँ। फिलहाल थोड़ा बहुत डैमेज था बट कोई बात नहीं। अभी यहाँ पर 3 बंदे और बचे हुए हैं, एक बंदा जो कि स्नाइपर डार पे, बाकी 2 बंदों की लोकेशन अभी मेरे को नहीं पता कि कहीं पर भी हो सकते हैं। यहाँ पर अगर स्नाइपर डार वाला बंदा मेरे को डैमेज नहीं करता तो मैं इसे इसी टाइम किल कर देता। अब यहाँ पर मैं पीछे से डैमेज हो चुका था, वैसे इसे एक हेड तो चिपकाया था बट मैं फिर भी मैं भी एक मौका लेता हूँ और इसे भी एक मौका देता हूँ, ये भी बंदा मिडकिट लगा लेता और मैं भी अपनी हेल्थ फुल कर लेता हूँ। फिलहाल अपने उस बंदे को तो ईजी किल कर देता। अभी यहाँ पर जो लास्ट बंदा था वो सेकंड लास्ट बंदे को किल कर देता है और यहाँ मेरे सामने साइड ब्रिज के नीचे आ चुका है। और अभी देखो इस बंदे से कितनी प्यारी फाइट निकालते हैं। मैं इस बंदे का साउंड सुन रहा हूँ और एक परफेक्ट ग्रेनेड फेंक देता हूँ और साले मैच में मेरे को 14 किल्स पे चिकन डे मिलता है और प्लस भी नेक्स्ट लेवल मिलता है। तो गाइस अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और गाइस मिलता है ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।